जिसके आधार पर कांग्रेस की रोजी रोटी चल रही है, मैं आज उनकी बात करना चाहता हूं। 1950 में नेहरू लियाकत समझौता हुआ। भारत और पाकिस्तान में रहने वाले माइनॉरिटीज की सुरक्षा को लेकर के ये समझौता हुआ। समझौते का आधार पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं होगा। पाकिस्तान में रहने वाले जो लोग हैं, जिसमें जो धार्मिक अल्पसंख्यक है जिसकी बात हम बोल रहे हैं, उसके संबंध में नेहरू और लियाकत के बीच में एग्रीमेंट हुआ था। अब कांग्रेस को जवाब देना होगा, नेहरू जैसे इतने बड़े सेक्युलर, नेहरू जैसे इतने बड़े महान विचारक, इतने बड़े विजनरी और आपके लिए सब कुछ, उन्होंने उस समय वहां की माइनॉरिटी के बजाय सारे नागरिक ऐसा शब्द प्रयोग क्यों नहीं किया? अगर इतने ही महान थे, इतने उदार थे, तो क्यों नहीं किया भाई? कोई तो कारण होगा। लेकिन इस सत्य को आप कब तक झुठलाओगे भाइयों बहनों, माननीय सदस्य अध्यक्ष जी और माननीय सदस्यगण? ये उस समय की बात है, ये मैं उस समय की बात बता रहा हूं। नेहरू जी समझौते में पाकिस्तान की माइनॉरिटी इस बात पर कैसे मान गए, जरूर कुछ न कुछ वजह होगी। जो बात हम बता रहे हैं आज, वही बात उस समय नेहरू जी ने बताई थी। माननीय अध्यक्ष जी, नेहरू जी ने माइनॉरिटी शब्द क्यों प्रयोग किया, ये आप बोलेंगे नहीं क्योंकि आपको तकलीफ है, लेकिन नेहरू जी खुद इसका जवाब देके गए। मुझे मालूम है आप उनको भी छोड़ दोगे, जहां जरूरत पड़े आप किसी को भी छोड़ सकते। नेहरू जी ने नेहरू लियाकत समझौता साइन होने के एक साल पहले असम के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमान गोपीनाथ जी को एक पत्र लिखा था, और गोपीनाथ जी को पत्र में जो लिखा था वो उसमें कोट करना चाहता हूं। उन्होंने पत्र में लिखा था, जो लोग हमको कहते हैं हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हम देश को बांट रहे हैं, ये नेहरू जी ने क्या कहा था ये जरा याद रखना। गोपीनाथ जी जो असम के मुख्यमंत्री थे, नेहरू जी ने लिखा था, आपको आपको हिंदू शरणार्थियों और मुस्लिम इमिग्रेंट्स इसके बीच फर्क करना ही होगा, और देश को इन शरणार्थियों की जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। उस समय असम के मुख्यमंत्री को उस समय के भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी ने लिखी हुई चिट्ठी है। नेहरू लियाकत समझौते के बाद कुछ महीनों के भीतर ही नेहरू जी का इसी संसद के शोर पर 5 नवंबर 1950 उनका एक बयान है। 5 नवंबर 1950 नेहरू जी ने कहा था, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो प्रभावित लोग भारत में सेटल होने के लिए आए हैं, ये नागरिकता मिलने के हकदार है, और अगर इसके लिए कानून अनुकूल नहीं है तो कानून में बदलाव किया जाना चाहिए। 5 नवंबर 1963 में
1963 में लोकसभा में इसी सदन में और इसी जगह से 1963 में कॉल अटेंशन मोशन हुआ। उस समय प्रधानमंत्री नेहरू तत्कालीन विदेश मंत्री के रूप में भी जिम्मेदारी संभाल रहे थे। मोशन का जवाब देने के लिए विदेश राज्य मंत्री श्रीमान दिनेश जी जब बोल रहे थे तो आखिर में प्रधानमंत्री नेहरू जी ने बीच में उन्हें टोकते हुए कहा था और उन्होंने जो कहा था मैं कोट कहता हूं, पूर्वी पाकिस्तान में वहां की अथॉरिटी हिंदुओं पर जबरदस्त दबाव बना रही है। ये पंडित जी का स्टेटमेंट था। पाकिस्तान के हालात को देखते हुए गांधी जी नहीं नेहरू जी की भावना भी रही थी। इतने सारे दस्तावेज हैं, चिट्ठियां हैं, स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है, सभी इसी तरह के कानून की वकालत करते रहे हैं। मैंने इस संबंध में तथ्यों के आधार पर अब मैं कांग्रेस के खास रूप से पूछना चाहता हूं और उनकी इकोसिस्टम भी मेरे सवाल समझेगी। जो ये सारी बातें मैंने बताई, क्या पंडित नेहरू कम्युनल थे? मैं जरा जानना चाहता हूं। क्या पंडित नेहरू हिंदू मुस्लिम में भेद किया करते थे? क्या पंडित नेहरू हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे? जो उन्होंने जो बातें कही, क्या पंडित नेहरू हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे? माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस की दिक्कत ये है, वो बातें बनाती हैं, झूठे वादे करती हैं और दशकों तक वो वादों को टालती रहती है। आज हमारी सरकार अपने राष्ट्र निर्माताओं की भावनाओं पर चलते हुए फैसले ले रही है तो कांग्रेस को दिक्कत हो रही है। और मैं फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं, इस सदन के माध्यम से इस देश के 130 करोड़ नागरिकों को बड़ी जिम्मेवारी के साथ संविधान की मर्यादाओं को समझते हुए कहना चाहता हूं, संविधान की जिम्मेवारियों को समझते हुए कहना चाहता हूं, संविधान के प्रति समर्पण भाव से कहना चाहता हूं, देश के 130 करोड़ नागरिकों से कहना चाहता हूं, सीएए इस बिल से, इस एक्ट से हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव होने वाला नहीं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी को नहीं होने वाला। इससे भारत की माइनॉरिटी को कोई नुकसान होने वाला नहीं। फिर भी जिन लोगों को देश की जनता ने नकार दिया है वो लोग बोर्ड बैंक की राजनीति करने के लिए ये खेल खेल रहे हैं।